यादवों के अलावा सपा को और कोई वोट क्यों नहीं देता है? कौन नहीं देता? पंडित दे पंडित कहते हैं कि अगर सपा आ जाएगी तो हमारे गुंडा गुंडा इतने ज्यादा हो जाते हैं। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। घरों में जो लड़की ने बलात्कार करो, बाकी कोई बनाए भैया ठाकुर, अगर कोई ठाकुर है तो उसके लिए कोई 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 सरकार कुछ भी करे, ठाकुर कुछ भी करे, कोई उन पे कार्रवाई नहीं। कुछ लोग इनमें जन नहीं जानता है के यहाँ को विधायक को है, कुछ लोग जन नहीं जानते के सांसद को है। अखिलेश ने काम करे और फीता काट रहे बीजेपी वाले। अखिलेश तो काम कर, अखिलेश का और फीता बीजेपी वाले काट रहे हैं। जनता बेवकूफ ना रही, जनता सब समझदार हो चुकी है। 22 में जनता सबक सिखा देगी। हम लोगों को हाई कमान देख लिया, सिर्फ अखिलेश, अखिलेश सिर्फ चाहिए, अखिलेश हाँ अखिलेश चाहिए, कोई नहीं सिर्फ अखिलेश। बाजू में इसलिए ठाकुर लोगों का गांव है, वहां प्लाट देके जाकर 24 घंटे लाट रहती है। हमारे गांव में यादवों के गांव में लाट सब कट जाती है। यादव विरोधी यहाँ पे 79 रुपए लगान लगता था अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है? एक एक आदमी का लगान लगता था, कैसे लगता था? या पूरे गांव का? पूरे गांव, पूरे गांव का 79 रुपए लगान लगता था, इसलिए इसका नाम 79 रखा गया। तो ये गांव है 79। विधानसभा कौन सी आती है? अमृतपुर विधानसभा। हम हैं उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद में। विधानसभा का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, और चुनाव के समय में गाँव के लोगों में सरगर्मी इस बात की होती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, और पुराने विधायकों पुराने सांसदों ने क्या काम किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एक तरह से कहें तो डबल इंजन की सरकार मानी जा सकती है। इस गांव में है 79 गांव है, सड़कें तो कुछ ठीक ठाक समझ में आती हैं, कहीं ख़राब है कहीं ठीक है। सड़क साहब बहुत खराब है। विधायक यहाँ के हैं बीजेपी के, बीजेपी के हैं, क्या नाम है उनका? सुशील साके जी विधायक हैं यहाँ से, और इस बार फिर से शायद उन्हें टिकट मिला है, दोबारा उन्हें टिकट मिला है। बाकी सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, सभी पार्टियों ने, और कुछ लोग निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, सभी पार्टियों और कुछ निर्दलीय लोगों ने नामांकन भर चुके हैं। अब देखते हैं इस बार क्या है, क्या रुझान है लोगों का। 79 गांव के लोगों से थोड़ा बात करते हैं। तो इस गांव में जनसंख्या क्या है, वोटर कितने हैं? 1800 है जनसंख्या आपके यहाँ पे? 1800 में यादव लगभग कितने होंगे? यादव 1000 है लगभग, 1000। तो संपूर्ण संपूर्ण यादव समाजवादी पार्टी की तरफ 1500 वोट आए। तो साक के लोग तो साक की तरफ जाएंगे, 10-5 वोट जा जी बीजेपी हाँ। नहीं, मतलब देंगे आप निर्दलीय देंगे आप, आप नरेंद्र सिंह बाबूजी को देंगे, नरेंद्र सिंह यादव अच्छा चलो तो नहीं 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 ठीक है, अलग 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 मुद्दा है, अलग अलग कोई जरूरी नहीं है। पूछ ले उन्हें सब पड़े नहीं तो समाजवादी पार्टी को टिकट वोट देने का के पीछे का कारण क्या है, सबसे मुख्य कारण क्या है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी में? नरेंद्र सिंह यादव भी तो समाजवादी में ही थे पहले। हाँ पहले थे हाँ, पर इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला लगता है। नरेंद्र सिंह यादव जी को टिकट नहीं मिली? नहीं। तो टिकट ना मिलने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? अरे हम लोग जनता ने खड़े किए, जनता ने खड़ा किया है, और इस बार आप लोग जिताएंगे? हाँ जिताएंगे, फुल पावर, फुल पावर से जिताएंगे। राजन सिंह ये लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी को देंगे, दो चार लोग हैं दो चार लोग तो होते ही हैं, थोड़े गांव में कहीं कहीं सब साइकिल का ही वोट है बाबूजी के ही ना, जो कोई एक आध हमारा तो उठाड़े ही ना, एक आध हमारा दे तो उठाड़े ही, ये बात है तो पूरा गांव साइकिल का, पूरा गांव साइकिल का, दो एक है तो है, अरे पूरा साइकिल का। आप लोग लड़ाई मत करिए, आप लोग कांग्रेस खुराबाद करिए, साइकिल समाजवादी पार्टी ने क्या मतलब 5 साल पहले समाजवादी पार्टी थी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, तो क्या मतलब बहुत अच्छा काम किया, कैसा काम किया? बहुत अच्छा, उन्हें रोड बनवाए, अखिलेश के ही बने हुए हैं, लैपटॉप दिया उन्होंने, दिया किसानों के लिए भी ठीक ठाक काम, बहुत बढ़िया, उनने वो लेटर के बनवाई साहब देख लो। चल एक बात और, अगर हम यादव, अगर हम ऐसे गांव में जाते हैं जहां यादव नहीं है,
वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो अत्याचार बहुत होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सुरक्षा नहीं होती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक तो लोग कहते हैं अपनी अपनी दूसरी पार्टी वाले जो ऐसी बातें कर रहे हैं, कहते हैं योगी जी की सरकार में सुरक्षा बहुत है, हमारी हमारी बहन बेटी सुरक्षित है। गाय सांड सांप देख लो, हाँ ये जरूर है, रखा सही बात है, जो गैया बंद करवाए, जो बंद गैया करवाए, सब खेती उजरी योगी करते जो करते हैं। नहीं नहीं ये तो इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आवारा पशुओं की, लेकिन बीजेपी ने बड़े वादे किए कि गाय के नाम पर सारे वोट हैं, गौ माता बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे, सांड पाले सिर्फ गाय और सिर्फ इस सरकार में सांड पाले उनने। अच्छा यहाँ पर सपा से कौन लड़ रहे हैं? सपा से जितेंद्र यादव डॉक्टर। कैसी छवि है उनकी, क्या है? बढ़िया, आप वो तो शायद 2012 में लड़े थे, 2012 में लड़ने के बाद हार, 2012 में लड़े, जिला पंचायत लड़ी थी अनीता यादव उनकी उनकी पत्नी, लड़े थे दूसरा नंबर आया था सर, बीजेपी की लहर थी उस टाइम, दूसरे नंबर पे आई थी, तो इस मतलब उनकी छवि अच्छी है, बहुत बढ़िया, हर कास्ट में अच्छी छवि है, सब कास्ट, हाँ हर कास्ट में, तो आप लोग सपा को ही जिताएंगे कुल मिलाकर। अब साहब ऐसा है जी कि जैसे हम लोग कम पढ़े लिखे हैं तो कौन टिकट लेने जा, टिकट ना मिन तो ऑनलाइन हम करना है, तो रेल के लिए बैठे आन जान के लिए बैठे हैं, रेल सब बेच ले, प्राइवेट हो चुके, रेलवे तो सब कुछ प्राइवेटाइजेशन, वो बेच लिए हवाई जहाज, वो बेच लिए, तो सब कहाँ जाए बता, अब कुछ नहीं है। अब सब 20 किलो राशन मिलता है और 20 किलो में वो 17 किलो रैया, तो अब 17 किलो एक महीना बाद या 15 दिन में जानवर खवा लें, क्या हम खा लें, क्या कर लें, 4 बच्चे हैं। आप लोगों को 2000 रुपए तो मिल रहा होगा गांव वालों को? अरे काम नहीं था, मिल रहा किसी को मिल गया, किसी को नहीं मिल रहा, नहीं चाचा को मिल गया, चाचा को मिल गया, मिल जाता, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत क्या है? ये सरपंच के लेवल पे दिक्कत आ रही है या सरकार के लेवल पे दिक्कत आ रही है? जानकारी ना, पढ़े लिखे ना, इतने पढ़े लिखे हुए तो जाने, बीजेपी के जो समर्थक है ना उनको तो मिल रही है। अच्छा बीजेपी के समर्थकों को मिल रही है, और बीजेपी के कितने समर्थक हैं गांव में, 10-12 होंगे ऐसे? कोई नहीं, कोई नहीं है, हमारे गांव में एक भी वोट जैसे बीजेपी में नहीं जाएगा, सारी साइकिल साइकिल। एक गांव साहब ना है 79 दलिया खिरिया लाड़ी को नंगरा, मनाओ को नंगरा, ढर्रा टिलौट केलो को नंगरा, रसीदपुर भौसे को नंगरा, और सब नवली बछेली गणेशपुर ब्रह्मपुर सब याद बना के सब साइकिल। तो यादव, ये यादव लोग तो दो लोग यादव खड़े हैं यहाँ पर, नरेंद्र सिंह यादव हैं, नरेंद्र सिंह यादव भी खड़े हैं, ऐसा है उनकी कितने मिल सके कितने ना मिल सके, अगर अखिलेश अखिलेश अगर चौहे तो अपने को बुला लिया, शाम को खो गया, सवेरे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नरेंद्र बाबू अगर अखिलेश अगर दिल से चाहेंगे तो नरेंद्र बाबू पहुंच भी जाएंगे, अखिलेश क्यों नहीं आते हैं नरेंद्र बाबू को मनाने के लिए, नरेंद्र बाबू तो सपा के आदमी रहे और सपा के हैं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं उनकी मानी, कुछ कटौती जो 7 बार विधायक जो चुका हमारे यहाँ से, 7 बार विधायक। आप भी नरेंद्र सिंह यादव के समर्थक हैं? नहीं नरेंद्र सिंह यादव समर्थक नहीं कहा, तो नरेंद्र सिंह यादव बीजेपी में समर्थन करो, गलती तो उनने करी, गलती कुछ भी भाई, अखिलेश बाबू यहाँ आके मनाया करके, नरेंद्र बाबू आज भी सपा में जाने के लिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष, वो थोड़ी मनाएंगे, उनको तो बहुत लोग मिल जाए, उनको तो कई सारे नरेंद्र सिंह यादव मिल जाएंगे। करी गलती तो बाबू जी ने करी, मानो लड़कनी बीजेपी में समर्थन लो है तो बगनों का पार्टी ने उन्हें मानो निर्वासित कर दो है, वो बीजेपी से हैं, हाँ, तो गलती अपन कर रहे, और हम तो ये सुने थे पिछली बार क्यों कर रहे, पिछली बार अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगे थे, यहाँ नहीं लगे थे, यहाँ कभी नहीं, यहाँ नहीं लगे भाई, लड़ाई है मोहम्मदाबाद गए वोट मांगने गई थी उनका यादव, तो गाँव वाले ने खदेड़ दिया उनको, अखिलेश के अलावा किसी को एक भी नहीं जा सकता अखिलेश के अलावा। इस गाँव कौन कौन से गाँव है? 79 है, नौली है, गणेशपुर है, और तो इन गांव, इन गांव में कितने वोट होंगे लगभग, कितने सब यादव हैं? कम से कम हुई है 25-26 के लगभग, 30,000 के लेट पीटम मान लो, 30,000 वोट है सपा के, सपा के, लेकिन बीजेपी भी है, बीजेपी भी है, जय नहीं है इनके ही है, अनजात भी है। नहीं तो एक बात बताइए, यादवों के अलावा सपा को और कोई वोट क्यों नहीं देता है? कौन नहीं दे, पंडित दे, पंडित कहते हैं कि अगर सपा आ जाएगी तो हमारे गुंडा गुंडा इतने ज्यादा हो जाते हैं, हमारे नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, बीजेपी पुराने पुराने एक बात बता भैया, जैसे
विकास दुबे ने गलत किया या अच्छा किया, मानो उनको पूरा परिवार मत दो। उस समय अमर दुबे की बहू थी खुशी दुबे, उसकी शादी को 3 दिन हुए थे। 3 दिन में खुशी दुबे क्या दो फतो जो जेल में मानो डली हुई है। सही बात है कि नहीं भैया? ठाकुरों ने जो लड़की बलात्कार करो बाकी कोई बनाए भैया ठाकुर, अगर अगर कोई ठाकुर है तो उसके लिए कोई 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 सरकार कुछ नहीं करे, कुछ भी करे ठाकुर, कुछ भी करे कोई उन पे कार्रवाई नहीं। कुल मिला के बीजेपी की सरकार ठाकुरों के लिए है जी, बाकी ब्राह्मण हो यादव हो चाहे कोई और दूसरी जाति हो, ये देखना है ठाकुर से ही देखे बकसियाँ भर जाती है। अच्छा, और सिर्फ ठाकुर ही वोट देंगे उनको और क्या, और यहाँ कोई नहीं देगा। गायन तो बहुत दुखी साहब है, उनने आवास दही लेटरेंगे दही उनके गेट देख ले छिरिया गेट गली सरकारी आवास है, ये मंदिर है, मंदिर है। बिल्कुल फड़े पिछले साल बनी लेटरिंग, अभी गेट देखा जाए तो गेट है ही नहीं। कितने इस गांव के लगभग कितने पूरे गेट में 400 ग्राम वजन नहीं अगर तौला जाए, 400 ग्राम साहब। सुशील साग विधायक है यहाँ की सड़कें देखो, नाली बनी है यहाँ कुछ नहीं, बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कुछ लोग साहब कुछ लोग इनमें जो नहीं जानते हैं के यहाँ को विधायक को है, कुछ लोग जो नहीं जानते के सांसद को है, बिल्कुल वोट ले गए उसके बाद यहाँ कभी आए ही ना, कभी आए ही। बीजेपी के साथ बीजेपी के लोगों में ये भ्रम रहता है कि हमें तो पार्टी का वोट मिलेगा, हम जाएं ना जाएं। बस 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 सिर्फ बस यही है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मेरे को तो वोट है ही, मेरा मेरा पार्टी का वोट है। और योगी तो कर ही रहा है, मोदी तो कर ही रहा है, मैं क्यों करूं? ये बात है कि नहीं? अब के तुमको पता चल जाएगा कितनी बकसियां बत्ती है जो समझो। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल बिल्कुल, और बन जाएंगे, 100% बनेंगे। नहीं तो बहुमत सरकार बनेगी। ये क्षेत्र तो जैसे मैनपुरी, इटावा, फरुखाबाद, कानपुर, कानपुर नहीं, कानपुर के आसपास के कुछ इलाके ऐसे हैं जो जो गढ़ माने जाते हैं सपा के। इसके अलावा अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, ठीक है, वेस्ट में भी इस बार है, इस बार अखिलेश यादव का माना जा रहा है, लहर है पूरी, ठीक है, पूर्वी में लेकिन कहीं भी चले जाओ कल, लेकिन 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 अगर आप लहर है तो इसलिए एक बार बताओ किया विकास किया गड्ढा बचाओ, लहर यूपीए गड्ढन में डाल जा रही है, सिलेंडर 425 रुपए एक था, अब फ्री में सिलेंडर मिला रहा होगा ना, हमें कुछ नहीं मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ, कौन सी योजना आई थी? अरे 300-300 रुपए ले और लिए बीजेपी वाले ने, अरे साहब बीजेपी वाले ने 300-300 रुपए ले लिए, उसको सिलेंडर मिलेगा और ना सिलेंडर मिला और रुपए भी नहीं मिले, जब्त हो गई। और पहले आप सड़कें देख लो, नाली देख लो, और सब नालियों में आप जाएंगे उधर देखिए, हाँ आगे माताएं बहनें निकल नहीं पाती रात में, पानी निकास, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ सरकार में सब रोड बने हुए हैं, पहले सब अखिलेश सरकार के ही रोड बने हुए हैं हर जगह, कुछ नहीं बहु, बिल्कुल कुछ नहीं बीजेपी सरकार में बहु, कोई ना मरम्मत ना कोई नाली, कुछ भी नहीं हुआ, सब राज ने काम करे और फीता काट रहे बीजेपी वाले, अखिलेश तो काम कर, अखिलेश का और फीता बीजेपी वाले काट रहे हैं, जनता बेवकूफ बना रही, जनता सब समझदार हो चुकी है, 22 में जनता सबक सिखा देगी उनको। इस बार अखिलेश आ रहे हैं, हाँ अखिलेश पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत, हाँ बहुत बढ़िया, 300+ 300+ तो मुश्किल है, टेंशन ना ले, बहुत 300+ लेकिन गांव के आधार से कह रहे हैं, जैसे हमारा गांव इतना जोर शोर से लगा हुआ है, हो सकता है 300 कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। तो आपके गांव में सुशील शाह के आए या कोई कोई विधायक कोई कैंडिडेट आए अभी? अभी इस कैंडिडेट नहीं आए, कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं, जितेंद्र सिंह आएंगे, बाबूजी आए थे, और सुशील फाखे को, आप जितेंद्र सिंह की तरफ से हैं क्या यहाँ पे? हम सपा को वोट देंगे, नहीं आप जितेंद्र सिंह की तरफ से तो नहीं है, अखिलेश के आदमी है, अखिलेश के आदमी है, कोई घर है तो उनको भी देंगे, अखिलेश भाई बात है, जितेंद्र तो क्या लेना देना, साइकिल में हम लोगों को हाई कमान देख लिया, सिर्फ अखिलेश, अखिलेश सिर्फ चाहिए, अखिलेश अखिलेश चाहिए, अखिलेश के अलावा कोई नहीं, सिर्फ अखिलेश। आप एक भी बल्ब हमें जला के दिखा सकते हैं? और यहाँ से चलिए, ट्रांसफार्मर 2 है, कम से कम मान के चलिए 2 ट्रांसफार्म से आधे गांव से ज्यादा लाइट जाती है, दोनों आज 3 महीने से खराब पड़े हैं। जब हम लोग अगर जाते हैं विधायकों के पास,
कहते हमारी चलती नहीं है, हमारी चलती नहीं है। तो ये क्या चक्कर, जनता तो मरी जा रही है। बीजेपी के विधायक गांव वाले से कहते थे हाथ जोड़ लेते हैं, हमसे चलती नहीं है, तो फिर तुमको क्यों चुने हैं बाजू में? इसलिए लोगों का गांव है, वहां प्लाट देके जाकर 24 घंटे लाट रहती है। हमारे गांव में यादवों के गांव में लाट सब कट जाती है। यादव विरोधी है, यादव विरोधी क्यों हो रहा है? लाइट आता है, जात बात हो रही है। कितने घंटे लाइट आती है आपके यहाँ? अरे एक आध घंटा आ जाए तो आ जाए, एक दो घंटा पूरे दिन महीने से वो भी नहीं आ रही। दो ट्रांसफार्मर खराब पड़े हमारे गांव के, कम से कम 20 आदमी गए विधायकों के पास। हमारा ये तो दला दो, कम से कम गाड़ी लेके गए सुशील साहब के यहाँ, तो उनसे अपनी समस्या कान तो ऊपर नीचे उतरे के नहीं आए। फिर हम लोग इंतजार देखत देखत फिर नीचे चले आए गाड़ी लेके। साके कहाँ रहते हैं? फरुखाबाद। हाँ, और साख लोग कुछ गए थे, कुछ यहाँ से यादव लोग गए तो कुछ साख लोग भी गए थे। ये बात तो है, अगर आप लोग सपा के जो जितेंद्र सिंह यादव हैं उनकी छवि साफ है। हाँ, है ना, मैं तो कल मैंने उनका इंटरव्यू किया है, बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगा, उनसे बात करके लगा कि वो कुछ तो करेंगे आप लोगों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया आदमी है। परसों में साकी जी के पास भी जाऊं? हाँ, उनके उनके अस्पताल आए, स्कूल आए, कोल्ड आए, वहाँ जाते हैं तो सुविधा मिलती है। आप, हाँ। आप लोगों को पर्सनली कुछ, आप लोग पर्सनली उनके गए क्या कभी? हाँ, कई बार गए। हाँ, लाइट की यहाँ पे समस्या है, लाइट की यहाँ काफी देखना, बल्ब देखना, कोई जल रहा है बल्ब? अभी बल्ब सामने लगा हुआ, वो बल्ब लगा, ये लगा बल्ब साहब, लाइट की समस्या है। कहीं भी कोई लाइट नहीं, सड़क सड़क देखो, नाली देखो, कुछ भी नहीं है जो समझो। यहाँ से कौन नहीं आएगा, विधायक नहीं आएगा, कौन है? सामने देखिए, इधर बिल्कुल सामने एकदम पूरा ये कीचड़ भरा हुआ, पूरी सड़क पे आता है कीचड़। इसकी क्या नाली नहीं बनती है? क्या पैसा नहीं आता इसके लिए? सपा की सरकार में काम बहुत, सपा की सरकार उसके बाद कुछ काम है, सपा की सरकार में काम बहुत साहब। आगे साहब देख लो, इतो कीचड़ भरो, और विधायक लोग आते हैं निकरियात और चले जाते। ये तो गाड़ी में गाड़ी में आए और चले गए। आए हैं विधायक ना? वो तो आया ही नहीं कभी, वो तो आया ही नहीं कभी भी। कोई बच्चा भी कहता विधायक कैसा आया, ये भी कहता है वो जानत नहीं कैसे। पिछली विधानसभा में आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, सपा में दिए थे, सपा में दिए। और इस बार बीजेपी दे कहना तो बीजेपी समन्वय दे थे, कछु दे थे वो नहीं थी, मगर अब नहीं देंगे बिल्कुल। पहले जिन्होंने दिया वो भी नहीं देंगे, वो भी नहीं, वो जान चुके हैं ना कि जैसे इन लोगों को दिक्कत तो इन्हीं के साथ हम भी रहते हैं, तो दिक्कत हमें भी है। अब वो भी नहीं देंगे, पहले दे दिया तो दे दिया, वो भी नहीं मिलेंगे वोट। और एक ही बार अंजवाया भी जाता है, किसी की सरकार और जनता के साथ अच्छा काम नहीं करोगी जनता पलट देगी, किसी की सरकार। इनके आवास पे जाओ, होना बहुत जरूरी, इनके आवास पे जाओ, बैठे रहो और चुप चले आओ, जाओ विधायक से मिलने जाओ तो बैठे रहो, चले आओ, चले आओ, और कुछ कोई सुनवाई नहीं, न तुम्हारी कोई समस्या सुने, न कोई बात करें, जैसे गए झोरा लेके जाओ, झोरा लेके चले आओ। आप क्या कह रहे थे कि ऐसे गांव बहुत हैं जो बीजेपी को वोट दिए थे लेकिन इस बार वो भी नहीं देंगे? नहीं देंगे बिल्कुल। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? एक बात बताओ, जो यहाँ पर न खेती है न बाड़ी है, नौकरी करते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद है, बेरोजगारी इतनी फैला दी, रिकॉर्ड तोड़ दिया, बच्चा मारे मारे फिर रहे हैं, बताओ है? शिक्षा स्कूल है आपके यहाँ पे? बिल्कुल स्कूल है, बंद बिल्कुल, खुलता ही नहीं। मास्टर आते हैं? कोई नहीं आता। मास्टरों को तो तनख्वाह मिल रही होगी 80,000 रुपए? जब उसमें तनख्वाह मिलती कोई नहीं आता। अरे सुनो, जब वहाँ में बच्चे ही नहीं आएंगे जब, तो फिर मतलब मास्टर करेंगे क्या आगे? बच्चे क्यों नहीं आएंगे? बच्चा क्यों आएंगे का, जब बच्चे पढ़ाई नहीं चाहते हैं क्या? अरे पढ़ाई चाहते हैं, उसमें कोई आता ही नहीं है। कोई नहीं आता, एक दिन लॉकडाउन लगा दिया, स्कूल नहीं खुला, तो बात क्या मतलब निकले आएंगे? बच्चों का विदेशी बिगड़ गया बिल्कुल। इस गांव का नाम उनासी है जी, क्योंकि इस गांव में 79 रुपए लगान दी जाती थी। ये मुझे एक बहुत नई चीज जानने को मिली है। और पुराने पिछले गांव में हम लोग गए थे, वहां पर बीजेपी लोधी समाज है, लोधी समाज ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है, लेकिन इस गांव में सारे के सारे लोग मिल करके कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। देखते हैं, गांव के लोग तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री भी अखिलेश जी को बनाएंगे, लेकिन एक गांव के दम पर अखिलेश जी या योगी जी को हराया जिताया नहीं जा सकता है। एक गांव नहीं साहब, यहाँ बहुत गांव है, कम से कम वही गांव है जहाँ ने बीजेपी में सारा वोट दिया। हाँ, अच्छा, अब के देख भी वोट नहीं जाएगा, अब कहीं भी इस बार कहीं नहीं जाएगा।